सबसे पहले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 कब स्टार्ट होगा, इस हवाले से आप दोस्तों को मुकम्मल तफसील बताएंगे। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड कौन सा रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को मुकम्मल स्क्वाड और शेड्यूल बताने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर लाजमी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 में खेला जाना था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी से खेला जाना था, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब टी20 वर्ल्ड कप 2021 इंडिया की मेजबानी से होगा, ये इंडिया में नहीं होगा। लेकिन बात ये हो रही है कि कोरोना वायरस की वजह हो सकता है कि दुबई में खेला जाए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का कौन सा स्क्वाड रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर ये तफसील बताने वाला हूँ। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2021 अक्टूबर के महीने में खेला जाएगा, अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेला जाएगा 2021 में। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में पहले नंबर पर होंगे बाबर आजम, कप्तानी यही करेंगे। और दूसरे नंबर पे नाम आता है फखर जमान का, दूसरे नंबर पे फखर जमान होंगे। अगर तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों तीसरा प्लेयर है शार्दुल खान की भी वापसी हो जाएगी। उसके बाद अगर चौथे नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों चौथे नंबर पे न्यू टैलेंट खिलाड़ी हैदर अली होंगे। बात कर लेती हैं तो दोस्तों पांचवें नंबर पे प्रोफेसर मोहम्मद हफीज को रखा गया है। अगर छठे नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों छठे नंबर पे खुशदिल शाह होंगे। और सातवें नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों सातवें नंबर पे इफ्तिखार अहमद होंगे। और आठवें नंबर पे पाकिस्तान टीम के सीनियर प्लेयर शुएब मलिक होंगे। अगर नौवें नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों नौवें नंबर पे मोहम्मद रिजवान होंगे, जो कि विकेट कीपर हैं। और दसवें नंबर पे सरफराज अहमद होंगे, ये दो विकेट कीपर रखे गए हैं। अगर ग्यारहवें नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों वाइस कप्तान शादाब खान होंगे। और बारहवें नंबर पे ऑलराउंडर इमाद वसीम को रखा गया है। अगर तेरहवें नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों तेरहवें नंबर पे वहाब रियाज को रखा गया है। और चौदहवें नंबर पे फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी होंगे। अगर पंद्रहवें नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों पंद्रहवें नंबर पे हारिस रऊफ होंगे। और सोलहवें नंबर पे पाकिस्तान टीम के बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन होंगे। तो दोस्तों ये स्क्वाड अच्छा है या इसमें कोई तब्दीलियाँ करनी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ। अगली वीडियो तक ले इजाज़त दीजिए।